मीघा बरसो रे मीघा मीघा बरसो रे मीघा बरसो बरसो रे मीघा मीघा बरसो रे मीघा मीघा बरसो रे मीघा बरसो। ये उमड़ घुमड़ के आते हुए बादल, ये रिमझिम बरसात, मेरा मन तो ये कर रहा है कि स्टूडियो से निकलकर खुले आसमान के नीचे पहुंच जाऊं। हरे हरे पेड़ पौधों के बीच में योग का अपना ही आनंद है, वो आनंद आज उठा लूं। अगर आप भी बाहर चले गई मीनाक्षी तो यहाँ मेरे साथ योग कौन करेगा, क्योंकि श्रुतिका तो ऑलरेडी बाहर है। अच्छा श्रुतिका, हाँ। श्रुतिका हाउ लकी यू आर, हाँ हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में योग कर रहे हैं और मैं और पूजा ये डिस्कस कर रहे थे आज शो के पहले ही कि कितना मजा आता कि अगर ओपन एनवायरनमेंट में बादलों के बीच में इस रिमझिम बूंदों के बीच में योग अभ्यास करते। क्यों पूजा? बिल्कुल मीनाक्षी, इतना सुहाना मौसम हो रहा है, ऐसे में मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए योगा मैट लेकर मैं बाहर निकल आई ताकि आसमान के नीचे प्रकृति के बीच आज से मैं योग कर सकूं। आप बहुत स्मार्ट निकली, हमें यही छोड़ के अकेले बाहर चली गई। चलिए कोई बात नहीं, हम भी यही सोच रहे थे, आप बाहर पहुंच गई हैं, चलिए आपके जरिए हम भी मानसून के नजारे स्टूडियो में रहकर ही देख लेंगे। बिल्कुल, हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं सच बताऊं कि जो बारिश है आपके तन मन को इतना कह सकते हैं तरोताजा कर देते हैं, लेकिन जरा संभल कर रहना क्योंकि जैसे बारिश देखे बाहर मत चले जाना आप, क्योंकि बरसात से होने वाली जो हरियाली है वो आंखों को बहुत सुकून देती है लेकिन आफत भी लाती है। मीनाक्षी आपने बिल्कुल ठीक कहा अमित, बारिश के दिनों में कंजक्टिवाइटिस हो, फंगल वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर एलर्जी की परेशानी हो, ये सब बढ़ जाते हैं। आंखों में रेडनेस आ जाना, फिर ड्राइनेस होना, इचिंग होना, दर्द झेलना पड़ता है और इससे कई बार सिरदर्द और माइग्रेन भी ट्रिगर होता है और इसलिए इस मौसम में आंखों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, और वैसे भी आपको बता दें कि आई केयर तो हर मौसम में ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आंखों की दुश्मन हैं, जैसे कि काम और पढ़ाई के लिए लंबे वक्त तक आप ऑनलाइन रहते हैं और साथ ही साथ रेडिएशन और जो पॉल्यूशन होता है आपकी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और मायोपिया को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं अमित? इन बीमारियों के बढ़ते मामले बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा रहे हैं। अब देखिए, जिन आंखों से हम दुनिया के हर रंग को देखते हैं उनका ख्याल तो रखना होगा और इसके लिए स्वामी जी की तरह ही श्रुतिका भी आज जो है हरियाली के बीच में योग करने पहुंच गई हैं। हरियाली के बीच अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, हमारी तरह आप चार दीवारी के अंदर हैं, तो कोई बात नहीं, योगाभ्यास तो हर रोज की तरह आप कर ही सकते हैं क्योंकि योग और प्राणायाम ये आंखों के लिए वरदान है। फिर चाहे अब आप गार्डन में हो या फिर हमारे तरह स्टूडियो में हो, आप हमारे साथ साथ योगाभ्यास की शुरुआत कर दें। योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। हाथों के और पैरों के बल चलना, जब आप हाथों और पैरों के बल चलते और घास पर चलते हैं तो नेत्र ज्योति अच्छी होती है, तो उधर तो बच्चे हमारे जल नेति सूत्र नेति कर रहे हैं और हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप हाथों के बल ऐसे चल सके आप, और ये आंखों के लिए तो ये शीर्षासन जो हमारी बेटी साक्षी भी इधर कर रही है और अनुष्का, इसने तो कमाल ही कर दिया, इसने तो 40 यूनिट इंसुलिन 2 सप्ताह से पूरा बंद कर दिया, हेमोग्लोबिन 7 से 14 कर लिया और विटामिन डी भी 8 से 30 के ऊपर आ गई है, डेंजर जोन में चली गई थी। और ये शीर्षासन जो करेंगे 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी। इसने आँखों का चश्मा भी हटा लिया अनुष्का ने, देखो आँखों का चश्मा हटा लिया, हेमोग्लोबिन जो 7 था वो अब 13-14 पर ले आई और ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो आँखों के लिए अप्रतिम है। और आँखों के लिए ये शीर्षासन, आँखों के लिए सर्वांगासन, जलनेति सूत्रनेति त्रिफला से आईवास, याशी ने भी अपना चश्मा हटा लिया, तो कठिन कठिन आसन कर रही है, बड़ी जबरदस्त गुड़िया है भाई, कर लो बेटा।
अच्छा स्वामी जी, देखिए ना, आप तो हर रोज प्रकृति के बीच में ही योगाभ्यास करते भी हैं और कराते भी हैं। हम हर दिन यहाँ पर स्टूडियो में होते हैं। आज श्रुतिका ने तय किया कि जैसे आप हरियाली के बीच में योग कर रहे हैं तो वो भी इस मानसून का आनंद ले ले, और वो भी बाहर गार्डन एरिया में पहुँच गई हैं। स्वामी जी, ये वेदर, ये मौसम इतना सुहाना होता है, लेकिन कई मायनों में ये सेहत के लिए कभी कभी संकट भी बनता है। आज उन्हीं तमाम संकटों की हम बात करने जा रहे हैं। बरसात से अब स्किन पर एलर्जी हो जाना या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आना, ये तमाम तरीके की दिक्कतें तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आँखों में इन्फेक्शन होना, सबसे ज़्यादा केसेस इसी मौसम में आते हैं। तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए उपाय क्या क्या है, ये तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए कौन से 10 योगाभ्यास हैं जो हर रोज करने चाहिए? देखो, कंजक्टिवाइटिस से लेकर के आंखों के तमाम रोग, घास पर नंगा चलना, सूर्य का त्राटक करना, अक्षी तर्पण जोधर भाई साहब का चल रहा है, उसने भी अपनी आंखें ठीक कर ली, उसकी बेटी ने भी अपनी आंखें ठीक कर ली, और मैंने शीर्षासन सर्वांगासन पहले बता ही दिया, और ये जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस आँखों में होता है, ब्रोंकाइटिस फेफड़ों में, कोलाइटिस आंतों में, जितने भी इन्फेक्शन है, बाहर के बैक्टीरिया वायरस फंगस से, अंदर भी बहुत से बैक्टीरिया वायरस फंगस इन्फ्लेमेशन पनपते रहते हैं, उसके लिए कम से कम मंडूकासन योग मुद्रासन तो लंबा करें ही करें, और जो कर सकें वो कम से कम सूर्य नमस्कार भी करें। चलो अनुष्का, आप भी मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो। इसने तो मधुमेह है, टाइप 1 डायबिटीज जिसको पूरी दुनिया में कहा जाता है, ये तो असंभव है, इसको ठीक करना है। उसने टाइप 1 डायबिटीज पर विजय पा लिया अनुष्का ने। यहाँ नरेंद्र जी हैं, राजपाल जी हैं, जिन्होंने जेनेटिक डायबिटीज को ठीक कर लिया, उनकी पत्नी हैं नरेंद्र जी की मधु, हाँ, उसने तो ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस तक को अच्छा कर लिया। रोज हम सूर्य नमस्कार करें। आज रिमझिम रिमझिम बरसात भी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सावन आ गया है कि बाकी अभी है। आज तो सावन जो है भाई मौसम में तो आ गया, बाकी तिथियों के अनुसार जब आना होगा तब आ जाएगा। और देखो कितने कितने प्यारे फूल, ये किसके ऊपर फूल लगे हैं पता है? ये कैक्टस पर फूल लगे हैं। इधर साक्षी और उसकी माँ जो है बड़ी उम्र में भी कठिन आसन कर रही है, हाँ, आशी और उसकी माँ बड़ी उम्र में भी कठिन आसन, ये बड़ा अच्छा रहता तो जो हो सके तो सूर्य नमस्कार 10 बार कम से कम रोज करना, और जो है ऐसे ये सूर्य नमस्कार, और फिर इतना भी ना कर पाए तो कम से कम 2 दंड और 2 बैठक, एक तो ये सुंदर सुंदर पुष्प यहाँ पर खिल रहे हैं, चारों तरफ प्रकृति की छटाएं हैं, कैक्टस पे वाकई में बहुत ही सुंदर फूल निकले, स्वरूप चारों ओर देखने को घटाएं, ये बात तो ठीक है। देखा, चलो ये करो, उल्टे लेट जाओ, ये 100 बार सबको करना है, ये भुजंगासन, फिर ये बच्चे तो कठिन कठिन आसनों में लगे ही पड़े। जी मेरी बहन कुछ कह रही थी आप बीच में, स्वामी जी मैं कह रही थी कट जाता हो फिर पीसीआर वाले जोड़ देते, हम अनकट रहते हमेशा। स्वामी जी, कांटों पर भी फूल खिलते हैं, यानी कि तमाम परेशानियों के बीच में भी उम्मीद की उमंग जो है वो बनी रहती है। वाकई में ये प्रकृति हमें बहुत सारे संदेश देती है। स्वामी जी, बारिश के इस मौसम में बैक्टीरिया, फंगल, वायरल, गंदा पानी, ये सारी चीजें आंखों में इन्फेक्शन की वजह बनती है। कंजक्टिवाइटिस की अगर परेशानी किसी को हो जाए तो फिर उसे क्या क्या उपाय करने चाहिए? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास आप बता रहे हैं, वो तो हम आपके साथ साथ कर ही रहे हैं। देखो, रोज सूर्य नमस्कार करना, रोज भुजंगासन करना, और
भुजंगासन भी मैंने 100 बार का टारगेट दिया हुआ है, जो कठिन आसन कर सके वो साक्षी जी, मधु जी, हैप्पी, पूजा जी की तरह कठिन आसन कर लेना। जैसे बेटियां लगी पड़ी है, इधर ये माँ बेटी भी लगी पड़ी है, साक्षी और इसकी माँ क्या नाम है, सुमन, बड़ी जबरदस्त बेटी है भाई। सुमन ने जो है सच में अपना जीवन पुष्प उसको खिला ही लिया है, है? तो देखो कठिन आसन करने हैं तो मेरे भाई और साक्षी मधु आदि के हैप्पी पूजा को अनुसरण कर लेना, सरल आसन हमारे साथ साथ कर लेना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 100 बार भुजंग आसन का टारगेट दिया हुआ है, 10-10, 20-20 बार करके ऐसे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे आप भी करना बेटा। अनुष्का डायबिटीज तो अब अच्छी हो गई तेरी, हाँ टाइप 1 डायबिटीज पर विजय पाना, 2 सप्ताह से इंसुलिन बिना लगाए, और अब शुगर कितनी आ रही है, 100, 125, 150 150 तक आ रही है बिना इंसुलिन के, 2 सप्ताह से इंसुलिन 0। तो अब ये भी भुजंगासन 100 बार करना और मजबूत हो जाएगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। इम्यूनोग्रिट ले रही है ना, उसको सुबह सुबह 2 ले लिया करो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिट लें। ये कंजक्टिवाइटिस और तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचना है तो सुबह सुबह 2 गोली इम्यूनोग्रिट ले लें। और आँखों के लिए, आँखों की इम्यूनिटी के लिए आई ग्रिट गोल्ड बड़ा जबरदस्त है। पहले हम आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो 20 ग्राम मुक्ता शक्ति 10 ग्राम मोती पृष्टि 2 से 4 ग्राम शुगर होने पर वसंत कुसुमाकर, सामान्य कफ कोल्ड होने पर, हाँ किसी की कफ के कारण से भी आँखों की दिक्कत होती है तो उसमें, फिर स्वर्ण वसंत मालती, और किसी को अंदर से नसें सूख गई हों तो रसराज रस या योगेंद्र रस मिला देते थे 2 से 4 ग्राम महीने में। तो ये तो ट्रेडिशनल औषधि थी, अमल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शक्ति वसंत कुसुमाकर स्वर्ण वसंत मालती रसराज योगेंद्र, और ये रेडीमेड है एक ही औषधि। आईग्रिट सुबह शाम 2-2 ले लो, आईग्रिट ड्रॉप डाल लो, महात्रिफला घृत उससे अक्षित अर्पण कर लो जैसे यहाँ करवा रहे हैं, नहीं तो सुबह उठ करके महात्रिफला घृत 1 चम्मच खा लो या गाय का घी खा लो, 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर चल लो, दौड़ लो, सप्ताह में 1 बार ही जल नेति सूत्र नेति कर लो, मात्र 1 बार, नशे कर लो 1 बार अणु तेल से, बहुत ज्यादा कफ है तो ज्योतिषमती से कर लो, नाजुक प्रकृति है और कोई कफ कोल्ड आदि कुछ नहीं है तो बादाम रोगन से ही कर लो, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। आज के बाद किसी को आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा, कटक ग्लूकोमा नहीं रहेगा, नज़र की कमजोरी नहीं रहेगी, हमने ये सब बीमारियां ठीक की हैं, आगे पीछे से दोनों तरफ से ऐसे भी उठा सकते हैं और ऐसे भी उठा सकते हैं, ऐसे भी ला ये ये बड़ा जबरदस्त मामला है, ऐसे बच्चे तो पूर्ण धनुरासन पूर्ण भुजंगासन भी कर लेते हैं, पीछे से पैर उठाओ और देखो पूर्ण धनुरासन चल रहा है और ये पूर्ण भुजंगासन चल रहा है, गुड़िया ने लगा दिए पीछे से पैर, हाँ माँ बेटी दोनों भाई कंपटीशन में करते हैं, एक बार जोरदार तालियां भाई इनके लिए भी, हाँ सुमन के लिए और आशी के लिए, हाँ ये भी जोरदार काम है। अब चलो सीधे लेट जाओ, तुम कह रहा था जैसे प्रकृति में, चलो पवन मुक्तासन लंबा करो बेटा, आपको तो लंबा करना है ना, कितनी देर, 10 मिनट पवन मुक्तासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 10-10 मिनट करा करके, हम तो डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं, 10-10 मिनट शीर्षासन, 10-10 मिनट शीर्षासन करा करके, एक तो वो भाई आया बाल वाला, क्या नरेंद्र क्या नाम था, गंभीर शीर्षासन करता है ना, कर कर आधा घंटा कर, आज तेरा पूरा लाइव डेमोस्ट्रेशन हो जाएगा, इसने तो एलोपेशिया को ठीक कर दिया, ही कि मैंने में फौज में है, सारे फौजी भाई इसको देखते रहिए, इसको पहले तो गंजा हो गया था, इसकी खेती कहाँ से आ गई,
अब ये आँखों के लिए, बालों के लिए, कानों के लिए, इम्यूनिटी के लिए शीर्षासन लंबा करना होता है, तो गंभीर के लिए अभिनंदन है भाई। हाँ, बड़ी बात है। ऐसे उत्तान पादासन, ये उत्तान पादासन और ये लोकासन, एक एक आसन जब पाँच पाँच दस दस मिनट करते ही, गर्भासन सुप्त गर्भासन, इसमें तो भाई थोड़ा वक्त लगेगा। कभी तुम पैर फंसा के लेट जाओ और बाद में निकालने के लिए दूसरे लोग बुलाने पड़े कि भाई फंस गए अब, तो अब निकलेंगे कैसे। तो ये तो गर्भासन, सारी बेटियां सुप्त गर्भासन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। इसके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन जो कर सकें, हाँ, हम एडवांस योगासन, एडवांस योग, सहज योग एक साथ ये सिखाते हैं और सबको ये बताते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मैंने इम्यूनोग्रिट बता दिया, सुबह नेचुरल ब्रेकफास्ट जिसमें अंकुरित है, फ्रूट्स हैं, दलिया है। ये जो जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड है ना, आँखों की बीमारी का बड़ा कारण है। जंक फूड, फास्ट फूड, जितने भी आप सिंथेटिक चीज़ें इस्तेमाल करते हो लाइफ में, और जितना भी ये कृत्रिम आहार अलग अलग प्रकार का, ये सब पित्तवर्धक आहार, बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, फिर ऊपर से लोग पता नहीं क्या क्या ड्रिंक कर लेते हैं, फिर उसे बीड़ी सिगरेट और पी लेते हैं, तो सब आपके आँखों के लिए दुश्मन है। अपने साथ कितने क्रूरता, जुल्म, जाति, अत्याचार हम करते हैं। तो जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है, उनको अपनी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। जितने भी उत्तेजक पदार्थ खा रहे हैं, उनसे तौबा करनी पड़ेगी, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनसे बाहर जाना पड़ेगा। और अब क्या खाना पड़ेगा? अंकुरित खाओ, गाजर का जूस। हाँ, गाजर का जूस आँखों के लिए सबसे बढ़िया, उसमें विटामिन ए होता है। उसमें थोड़ा आंवला, संतरा, मौसमी आदि मिला लो साथ में, या नींबू मिला लो। गाजर का जूस, नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी के साथ, जैसे भी आपको था। आँखों का चश्मा रहेगा ही नहीं। अरे, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा तक ठीक हो जाता है, डिप्लोपिया तक ठीक हो जाता है। आपने आरपी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का, उस दिन श्रुतिका जी आई थी, किस जोन को देखा था, नरेश कौशिक, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा परिवार के कई लोग जिससे अंधे हो चुके थे, जैसे अभी मैं उदाहरण दे रहा था हमारे भाई नरेंद्र जी का, और जो है राजपाल जी का, जेनेटिक शुगर ठीक किया। जेनेटिकली जिनकी आंखें कमजोर हैं उनको भी हमने अच्छा किया। ये जेनेटिकली भी चलती है आँखों की बीमारी। माँ बाप को चश्मा है तो बच्चों को चश्मा जाता है, माँ बाप गंजे हैं तो बच्चे भी गंजे हो जाते हैं। हमें जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी तोड़ना है। और एक आसन को शिद्दत के साथ पूरा परिणाम पाने के लिए, जैसे अनुष्का ने चश्मा भी हटाया है, इंसुलिन छोड़ी है, हीमोग्लोबिन बढ़ाया है और विटामिन डी बढ़ाया है, ऐसे जैसे आशी ने आशा जगाई है कि कितना नंबर चश्मा था आशी आपको, एक में दो, एक में ढाई, सब हटा दिया। बड़ी हिम्मत वाली बेटी है, दो नंबर का, ढाई नंबर का चश्मा हटा दिया। ये सब हो जाएगा, चश्मा हटेगा, नज़र अच्छी होगी, दृष्टि भी योग से अच्छी होती है मेरी बहन मीनाक्षी जी, और दृष्टिकोण भी अच्छा होता है, ये है बड़ी बात। आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी, कई लोगों को तो मैंने देखा है, उनकी दृष्टि तो बहुत अच्छी होती है लेकिन दृष्टिकोण गड़बड़ होता है, तो उसी को सुधारने के लिए भी ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है। दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, एक तस्वीर मैं दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ जो कि आंखों को बहुत सुकून देने वाली तस्वीर है, मन को खुश करने वाली तस्वीर है। ये वो सैलाब है जो समंदर के किनारे भारतीय क्रिकेटर्स के स्वागत के लिए खड़ा है। एक तरफ देखिए समंदर है और दूसरी तरफ ये लोगों का समंदर। कितनी खुशी लोगों के मन में,
कितना सम्मान। भारतीय क्रिकेट टीम जो विश्व विजेता बनकर लौटी है, उनके स्वागत के लिए पलकी बिछाए ये लोग खड़े हुए थे। स्वामी जी देखिए, मरीन ड्राइव लग रहा है सड़क कहीं है ही नहीं, बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये अप्रतिम। लोग कहते हैं जमाना साथ नहीं देता। जब आप बड़े कोच के लिए निकलते हैं, देश के लिए निकलते हैं, देश का गौरव सम्मान बढ़ाते हैं, तो क्रिकेटर्स के साथ देश खड़ा हो जाता है। स्वामी रामदेव के साथ देश खड़ा हो जाता है। इंडिया टीवी के साथ देश रोज़ सुबह खड़ा होता है, जाग रहा होता है, योग कर रहा होता है। तो ये नेगेटिव थॉट हमें निकालने पड़ेंगे। बहुत से लोग इसी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में जीते रहते हैं, अकेलापन, खालीपन, कि घर वाले साथ नहीं दे रहे, समाज साथ नहीं दे रहा, देश साथ नहीं दे रहा। आप देख लिए तो सही, ये क्रिकेटर्स, इनको जीतने पर 125 करोड़ का तो इनाम मिला है। कोई कहे कि इनको तो इनाम मिल रहा है, इनको तो बड़ी बड़ी कंपनी ऐड देती है, 5-5, 10-10 करोड़ के ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है। एक एक कंपनी, एक एक क्रिकेटर 100-100 करोड़ का कमा लेता है, 200-200 करोड़ कमा लेता है। अरे भाई, ये कमाई तो बाद में है। क्रिकेट जब खेलते हैं तो देश के लिए जब खेलते हैं ना, तब देश खड़ा हो जाता है, देश सम्मान भी देता है। तो आपको पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे हमारे ये क्रिकेटर्स खेले ना देश के लिए पूरा दम लगा करके, एक बार तो लगा, मैं तो देखता नहीं ऐसी क्रिकेट, समय भी नहीं होता, लेकिन कल ऐसी थोड़ी देर के लिए देखा था इंडिया टीवी पर, तो कि एक बार को तो लगा कि बाजी हार जाएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इसलिए पराजय में भी जो विजय को देखते हैं, प्रतिकूलताओं में जो अनुकूलता को, संघर्षों में, झंझावातों में, आंधी तूफानों में भी जो अपनी विजय को देखते हैं ना, वो कभी जिंदगी में पराजित नहीं हो सकते। वेद का मंत्र, अहम इंद्र न पराजित, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूँ, ये सोच हमारी होनी चाहिए। और स्वामी जी, यही सीख जो है, आप ऐसे संकल्प के साथ लड़ते हैं तो जीतते हैं, तो देश खड़ा हो जाता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, और संकल्प से ही शक्ति मिलती है, और उसी शक्ति का अनुभव जो है हर रोज भारत के दर्शक, भारत ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे हुए वो तमाम दर्शक जो हर रोज आपके साथ योग करते हैं, वो भी अनुभव करते हैं। ये शक्ति का अनुभव है जो योग से अर्जित किया जा सकता है। स्वामी जी, अब हम क्योंकि मौसम की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये मौसम नहीं बल्कि आंखों की देखभाल तो हर मौसम में करने की जरूरत है। देश में पहले ही 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की नजर कमजोर है, ऊपर से कोरोना के वक्त में भी लोगों की आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लोगों की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए। स्वामी जी, क्या ये चश्मे उतारे जा सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर उसके लिए कौन कौन से अभ्यास करने होंगे और कौन कौन से नेचुरल तरीके अपनाए जा सकते हैं? आशी और अनुष्का तो यहाँ दो तो छोटी उम्र वाले उदाहरण, और किस किस ने उतारा है भाई आंखों का चश्मा? ये तो छोटी उम्र वाले मेरे साथ में दो ही बच्चे, अनुष्का इधर बैठी है, आशी उधर बैठी है, और उसका बापू उधर लेटा हुआ है। क्या नाम है उसका? तेज सिंह जी का भी आंखों का तेज लौट गया है, उनको अक्षी तर्पण हो रहा है। शीर्षासन से, अक्षी तर्पण से, त्राटक से, नंगे पाँव घास पर चल करके, ये घास फूस इसलिए नहीं बना रखा कि खाली दिखाने के लिए, घास पर चलने से क्या बढ़ती है? नेत्र ज्योति। हाँ, और ये क्या गंभीर, क्या नाम? हाँ, चलो घास पर चलो तुम, इसने तो गंभीर रोग ठीक कर लिया अपना, एलोपेशिया। हाँ चलो चलो, दौड़ के आओ, फौजी आदमी तो चलना, चलना तो बूढ़ों के लिए होता है, दौड़ो ऐसे पूरा, ऐसे जो दौड़ लगाते हैं ना, ऐसे नंगे पाँव घास पर। मैं तो सुबह सुबह घास पर और ऐसी मिट्टी पर दौड़ लगाता हूँ, तो मेरी नज़र तो अच्छी रहती, मेरी नज़र भी अच्छी और नज़रिया भी, दृष्टि भी और दृष्टिकोण भी। हाँ चलो बैठ जाओ भाई साहब, और अब जो है शीर्षासन करके एलोपेशिया तक ठीक कर दिया, आँखी की नज़र तो अच्छी होती है। और मधु ने तो आँख पर, हाथ पर, पैर पर, खड़े हो ना मधु, इसने तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, हाथ पैर आँख पर बुरा प्रभाव था। कितने दिन लगे थे उसको ठीक करने में, माइक में बताने?
स्वामी जी 2014 में वो था मुझे 2014 की घटना है, 10 साल पहले की। हाँ जी, मैं टीचर हूँ, मैं लिख नहीं पाती। बंद हो गई होगी? नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी हल्की सी आँख से दिखता था। हाँ जी, बाकी आँख पर भी असर, चेहरे पर भी, हाथ और टांग, मतलब ये राइट हैंड साइड पूरी साइड थी। हाँ जी, मतलब चपाती बेल नहीं सकती थी, आटा गूंथ नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। और जॉब करती हूँ तो जॉब, मैथ की टीचर हूँ तो लिख नहीं पाती थी। इसका मैथमेटिक्स गड़बड़ हो गया था, कैसे लिख? हाँ जी, स्वामी जी आपकी कृपा है, बस। अब तो 100% ठीक है, अब तो बहुत पूरी ठीक है। ये है, और ये भाई देखो, ये दोनों के दोनों नरेंद्र राजपाल और ये गंभीर, तो शीर्षासन करने में लगा पड़ा। तो शीर्षासन लंबा कर लेना, अनुलोम विलोम लंबा कर लेना। तो लाइव एग्जांपल्स के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ, और आँखों के साथ साथ कान भी अच्छे हो जाएंगे। कोरोना में तो अब जैसे आँखों में इन्फेक्शन होता है, तो बरसात में कान में भी इन्फेक्शन होता है, मैल जम जाता है, फिर अंदर खुजली होती है, तो ईयर ग्रिट वटी और ईयर ग्रिट ड्रॉप। फिर बरसात में कभी धूप, कभी छाव, कभी बरसात, कभी फिर जो है मौसम में जो बदलाव होते हैं, उसमें आदमी ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठ करके इम्यूनोगेट लेनी चाहिए, और कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है तो ब्रोनकोम दो सुबह शाम। तो मैंने आँख के लिए बताया, एक तो उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, दिमाग में आग लगी रहती, दिल में आग लगी रहती है, पेट में आग लगी रहती है, जीभ में, मुंह में आग लगी रहती है। क्या कहते हैं, आग आग कबाड़ ऐसे खाते रहते हैं, कबाब क्या खाते हैं इस सब, और फिर नीचे भी आग लगती है, पहले मुंह में चटपट, फिर नीचे खटपट, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, ऊपर फड़का। स्वामी जी, और इस मौसम में तो लोगों का चटपटा, तीखा, तला भुना खाने का और ज्यादा मन करता है। हाँ, पकौड़े, मिर्ची, पूरी मिर्ची के पकौड़े खा लेते हैं, एक एक किलो। बचो भाई, बचो रे, संयम करो। अच्छा स्वामी जी, अब ये जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसमें एक गैजेट ऐसा है वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, वो अलग बात है, कभी कभी मैं घर भूल आती हूँ, जैसे आज भूल आई हूँ। तो स्वामी जी, ये जो हमारा फोन है, स्मार्टफोन, ये आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टडी ये कहती है कि अंधेरे में लगातार लोग फोन देखते हैं, स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों की रोशनी तक छीन सकती है। आज के डेट में मोबाइल का इस्तेमाल भी स्वामी जी बहुत जरूरी है, तो आंखों को मोबाइल के साइड इफेक्ट से कैसे बचाया जा सकता है? 2-3 बार तो मुंह में पानी भर के, ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। 2-3 बार ये जो आई ग्रिट है ना, आई ग्रिट वटी या आई ग्रिट वटी है ना, ये खानी चाहिए, और ये आई ग्रिट ड्रॉप ये आँख में हम भी डाल लेते हैं, ऐसे नीचे तक करते हैं ना, जिसमें अपने आप की छिद्र हो जाता है, फिर इससे आँख में ड्रॉप पड़ जाता है। अब हम तो आज ऊपर मुंह करेंगे तो बूंदे भी पड़ेंगी आसमान से, और इसकी भी ऐसे। आँख में ये ड्रॉप डाल करके 1-2 मिनट ऐसे आंखें बंद रखनी चाहिए। उजाले, कुछ लोग ना बहुत तेज लाइट जला करके ड्रॉप डालते हैं, नहीं, आंखें ड्रॉप डाल के 1-2 मिनट बंद रखनी चाहिए, और लेट करके डालनी चाहिए, थोड़ी देर दवा उसमें रहेगी, अभी तो थोड़ी बह जाती है, बैठ करके डालिए। तो ये 2-3 बार ये हाई ग्रेड ड्रॉप डाल देना, ये सच में आँखों की तमाम कंजक्टिवाइटिस से लेकर के तमाम प्रकार के जो आँखों के इन्फेक्शन है, ग्रिट का मतलब जुझारूपन, लड़ने की ताकत है, योद्धापन, तो आँखों के तमाम दुश्मनों से लड़ने की ताकत मिलेगी आई ग्रिट गोल्ड से और आई ग्रिट ड्रॉप से। तो ये आज जो बताया इसको करना, बाकी हम ये जो है ना गुलाब जल, इससे भी आँखें धोते हैं, गुलाब जल में आंवले की सूखी कलियां डालते हैं, इससे भी आँखों को आईवास करते हैं, जल नेति सूत्र नेति करते हैं। जिनको कफ कोल्ड है उनको च्यवनप्राश, कभी मीठा खाने का मन करे तो 1 चम्मच खाना, ज़्यादा नहीं खाना, ले तेरे को गिफ्ट दे दिया। हाँ, ये मीठे वाले, अब जैसे आम खाने का मन करे तो आधा आम खाना, हाँ, कभी 1 किलो आम नहीं खाना है, शुगर वालों के लिए बता। तो
जिनको आंखों की समस्या कफ कोल्ड है वे लेना, च्यवनप्राश या च्यवन बालप्राश जो बच्चे को दिया, और ये अमृत रसायन ये रखा है ना, ये अमृत रसायन ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, ये ठंडक भी देता है और आंखों की रोशनी भी इससे अच्छी हो जाती है। तो बच्चों को अमृत रसायन दे, बच्चों को बालप्राश दे, बच्चों को च्यवनप्राश दे, आंवले का मुरब्बा, ये आंवले का मुरब्बा है या आंवले की कैंडी भी है, ये जो है ना ये एक चटपटी है, ये रहा ना ये 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 एक मीठी है, ये जो आंवले की कैंडी है ना बड़ी ज़बरदस्त है, आंवले का अचार भी है। अब ये सारी चीज़ें ये तो चटपटा है, ये तो तेरे को खिला देते हैं, तेरे को ज़्यादा मीठा नहीं चलेगा, इसमें मीठापन है। हाँ, और ये वाला ये मीठे वाला है, तो जो इधर उधर कैंडी खाते रहते हैं ना, और कैंडी खा करके थोड़ी मुँह देर मुँह में कोई क्या कहते हैं प्राण जाए पर पल्स में जाए, तो चटपटी चीज़ें बहुत तरह की खाते रहते हैं, बहुत लोग तो घरों में 8-10 तरह के चून चटनी रखते हैं, ये खिलाया करो अपने बच्चों को आंवले की। आप भी अपनी बिटिया के लिए लेके जाना, आपको बस मैं यहीं से भेज देता हूँ, एक ये भी योग में सिद्धि होती है, एक जगह को बाजार दूसरी जगह भेज देना है, वो आगे भेजेंगे अनुलोम विलोम। तो मीनाक्षी जी भी अपने बच्चों को यही खिलाएंगे तो उनकी आंखें 100 साल तक अच्छी रहेंगी, गुड़िया को या अनुलोम विलोम बड़ा अच्छा रहता है। तो आई ग्रिड डालना, ठंडे पानी से आंखें धोना। अच्छा स्वामी जी, चूंकि देखिए आज श्रुतिका भी ओपन एरिया में है, और आप कई बार एक सलाह देते हैं लोगों को जिनकी आंखें वीक होती हैं, कि ये जो हरी हरी घास है अगर इस पे नंगे पांव चला जाए, फ्रंट वॉक और बैक वॉक की जाए, तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसके पीछे का साइंस क्या है स्वामी जी? हाँ, ये जो है ये तगड़े वाले लड़के उधर आगे पीछे चल, बैक वॉक फ्रंट वॉक, ये देखो ये तो कनाडा से आए हैं, इन्हें गोडी ठीक कर ली, इसने 25 किलो वजन कम कर लिया। क्या नाम है? प्रमोद जी। और प्रमोद और मधु के लिए जोरदार ताली हो जाए, मधु ने 25 किलो वेट कम किया। चलो आगे पीछे चलो, बैक वॉक और फ्रंट वॉक, इसके तो चल ही नहीं सकता था, एक बार सिंगी लगाई कनाडा से आना सार्थक हो गया, अब दौड़ रहा है, आगे पीछे चल रहा है, पैर पहले तो ऐसे बूढ़ों की तरह पैर उठा के चलता था, इस उम्र में इसका प्रोस्टेट भी बढ़ गया तो वो भी ठीक कर लिया। अब तो पहले तो पत्नी स्मार्ट बनी 25 किलो वेट कम करके, फिर प्रमोद ने कहा मैं क्यों कम रहूं, तो वो भी स्मार्ट बन गया, पहले उसे चला ही नहीं जा रहा था। और देखो ये आशा भी है बेटी, अच्छा करती है, इसके लिए आशी के लिए जोरदार आशीर्वाद है भैया। ऐसे बच्चों को ये कुछ सोचेंगे कि आंवले खाते खाते या अनुलोम विलोम करना है क्या? आंवले चूस चूस लेने, किसी को एसिडिटी आदि बनती है ना, कमजोरी लगती है, थक जाते हैं, तो मुँह में या आंवला कैंडी ना ये मुँह में डाल करके और फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो घास पर चलने से घास से ठंडक मिलती है पैर को, और पैर का सीधा असर किस पर पड़ता है? दिमाग पर। कुछ कहते नहीं इसकी अकल तो पैरों में, तो पैरों का समाग दिमाग से भी होता है, पैरों का सीधा संबंध। तो पैरों से जो ठंडक मिलेगी इससे जो पित्त दोष का प्रशमन होता है, और जो धरती माता की ऊर्जा है वो सीधी मस्तिष्क को मिलती है, आँखों को मिलती है, दिमाग को ठंडक मिलती है। तो नंगे पाँव चलने से दिमाग अच्छा रहता है, नंगे पाँव चलने से आँखें अच्छी रहती है। और श्रुतिका के तो आज मजे आ रखे, वो बैकवॉक फ्रंट वॉक कर रही है, और लग तो जो है पूजा और मीनाक्षी जी को भी लग रहा है कि स्टूडियो से यदि बाहर निकल के योग करते काश हम भी तो कितना अच्छा होता। वो कह नहीं रही है, मैं कह देता हूँ रोज खुले में यहाँ क्या जबरदस्त माहौल है। ये बात तो ठीक है स्वामी जी, तो इसलिए आज हम बाहर आ गए, आपको देख कर हमारा बहुत मन करता है। पेड़ पौधे हैं, जामुन है, मन हमारा भी कर रहा है मीनाक्षी। अब बस ये जो जामुन और आम वाले पेड़ है ना स्वामी जी,
अभी वो वाला स्वाद यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, वो श्रुति का इससे थोड़ा चूक गई है, अगली बार जब ये हरिद्वार पहुंचेंगी तो इसका भी स्वाद ले लेंगे। स्वामी जी हाई ब्लड प्रेशर की भी एक बार बात कर लेते हैं, जिसका असर योग करेंगे और योग करके फिर खाएंगे। बहुत सही स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर आंखों पर गहरा असर डालता है, इरेगुलर बीपी से आंखों का रेटिना तक डैमेज होता है, तो स्वामी जी हाई ब्लड प्रेशर और आंखों के बीच का कनेक्शन थोड़ा समझाएं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए कौन कौन से योग अभ्यास किए जा सकते हैं। आंख के लिए दो बीमारियां बड़ी खतरनाक हैं, एक तो शुगर, शुगर से तो 2-10% तक लोग अंधे हो जाते हैं और मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, इसी को जो है रेटिनोपैथी, और नसनाड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं, न्यूरोपैथी, किडनी भी खराब हो जाती है, नेफ्रोपैथी, और बीपी के कारण से भी आंखों की रोशनी जाती है, किसी को तो आंखों में ब्लीडिंग हो जाती है ज़्यादा बीपी बढ़ने से, तो क्या करें, अनुलोम विलोम करें, और आप सब ब्राह्मणी उद्गीत करो, ओ बीपी के लिए आप अनुलोम विलोम करो अनुष्का ये, और बीपी के लिए एक तो भुजंगासन, जैसे बेटियां कर रही हैं भाई अलग अलग आसन, ये तो भाई वो ये करना कि इनका सामर्थ्य हो, कभी हाथ पैर तोड़ा डालो तो डिस्क्लेमर के साथ करवाते हैं, ये एडवांस ही हो, ये मरकटासन, मुक्तावटी बीपी ग्रीट का सेवन करवाते और लौकी का जूस पिलाते, और हम देखते हैं कि लोग फिर बीपी से मुक्त हो जाते, ये बड़ी बात है, सही बात है, पहले तो अविश्वसनीय लगता है लेकिन ये हकीकत है कि आप विजय पा सकते हो आंखों की तमाम समस्याओं पर, बीपी पर, शुगर पर, और इसके लाइव एग्जांपल्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, करोड़ों लोगों का हमने बीपी ठीक कर दिया है, ये है महिमा, बस तीखा तला भुना इससे बचे, टाइम से सोए, टाइम से जागे, हाँ टाइम से खाएं पिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो थोड़ा करना पड़ेगा, उतने तक आहारों से बचना पड़ेगा, तो बीपी चाहे जेनेटिक भी है, शुगर चाहे जेनेटिक में उदाहरण दे रहा था, वो भी अच्छा हो जाता है, भ्रामरी उद्गीत अनुलोम विलोम, बस जिनको शीर्ष बीपी है ना उनको शीर्षासन सर्वांग आसन नहीं करना, ठीक होने के बाद फिर कर लेंगे कोई दिक्कत, तो ये बीपी और साथ में शुगर के लिए भी, हाँ बीपी और शुगर दोनों ही आंखों के दुश्मन हैं, गुस्सा भी आंखों का दुश्मन है, गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, खून होता रहता आंखों में, और पहले ही बीपी हो फिर गुस्सा करें फिर तो आंखें ख़त्म होनी है, तो देखो बीपी शुगर से बचो, गुस्से से बचो, और मंडूकासन के साथ ही सस्कासन भी करोगे, ये बड़ा अच्छा होता है बीपी के लिए, और लौकी का जूस ये आंखों के लिए भी अच्छा है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, वेट के लिए, लौकी तो ना बहुत ही ज़बरदस्त है पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के, तो अब बीपी से मुक्त होगा हिंदुस्तान, उच्च रक्तचाप से, मधुमेह से, मोटापे से मुक्त होगा हिंदुस्तान जी। स्वामी जी रोग मुक्त व्यसन मुक्त, अब रोग मुक्त होने के लिए निरंतर योग करना होगा, और इसे मुझे लगता है कि अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनाना पड़ेगा जिसके बिना आपको ऐसा होना चाहिए, सांस के बिना जीवन नहीं, योग के बिना स्वामी जी जीवन नहीं, और शायद यही वजह है कि बरसात हो कैसा भी मौसम हो हम जाते हैं बाहर, वहां पर भी काम करते हैं, एंकरिंग करते हैं, वापस आके फिर से हम देखिए जुड़ जाते हैं आपके साथ, और जिससे अब योग की वजह से होता है। और स्वामी जी पहले तो कैटरेक्ट की जो बीमारी है वो 60 साल के बाद होती थी, लेकिन अब 40 साल की उम्र में लोगों को इस बीमारी से परेशानी होनी हो रही है, अब इसके चलते परेशान होकर लोग सर्जरी भी करा रहे हैं, कैटरेक्ट इतनी कम उम्र में स्वामी जी कैसे हो जा रहा है लोगों को, और किस उम्र से योग अभ्यास शुरू कर देना चाहिए ताकि आंखों में इस तरह की परेशानी ना आए स्वामी जी? आंखों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद अंदर एक झिल्ली अंदर इकट्ठी हो गई,
कैटरेक्ट को काटना है तो एक तो आई ग्रिट और बड़ी उम्र वालों को तो सीधा ही हम जो है दृष्टि डालते हैं, बच्चों को सौम्य, बाकी सब के लिए तो आई ग्रिट अच्छा है। तो आँखों के अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, वो कैटरेक्ट के रूप में हो जाती है, तो प्रेशर बढ़ जाता तो उसको ग्लूकोमा बोलते हैं। ये पॉइंट भी दबाएँ कपालभाति करते करते, एक तो अनुलोम विलोम करना है कपालभाति करते करते दोनों हाथों में और दोनों पैरों में पॉइंट दबाना है आपका, ये तो आंखों में गंदगी इकट्ठी होगी कैटरेक हो गया, हार्ट में गंदगी इकट्ठी हो गई उससे ब्लॉकेज आ गई, पेनक्रियाज में गंदगी इकट्ठी होगी पेनक्रियाटाइटिस हो गई, लीवर में गंदगी इकट्ठी होगी फैटी लीवर हो गया, ये किडनी में गंदगी इकट्ठी होगी तो उसमें सिस्ट और कई प्रकार की इन्फ्लेमेशन आ गई, पूरे शरीर में गंदगी इकट्ठी होगी RA CRP एनी एवीन के रूप में तो अर्थराइटिस हो गया, पूरे यहाँ फेफड़े में गंदगी इकट्ठी होगी तो अस्थमा हो गया, पूरे शरीर में वेट इकट्ठा हो गया मोटापा हो गया। तो बुरी चीज़ें इनको इकट्ठा नहीं होने देना है, तो एक तो कपाल भाती करो, भस्त्रिका का तो करना ही है, 2 से 5 मिनट फिर कपाल भाती करो, ये अंदर तक शरीर को धो डालता है मूलाधार से ससुराल, पूरे शरीर को धो देता है। और अब तो थोड़ी देर मैं अभी धड़ाधड़ मूसलाधार बरसने वाला है, सारी धरती माता को शुद्ध कर देता है जो चारों तरफ गंदगी है। स्वामी जी प्राणायाम की शुरुआत तो हमने कर दी है आपके लिए आपके साथ साथ, लेकिन एक परेशानी ऐसी ग्लूकोमा, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है और ये बात कितनी सही है कि कौन से स्टेज में अगर शुरुआती स्टेज है तो ग्लूकोमा को उसी वक्त अगर ट्रीट कर लिया जाए, उसी वक्त काबू कर लिया जाए तो खत्म किया जा सकता है। लेकर के आई थी जी 21 जून को नरेश कौशिक से लेकर के मेरे पास तो ऐसे बहुत से लोगों के जिन्होंने अपना ग्लूकोमा कैटरेक्ट के साथ साथ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा रतौंधी RP तक ठीक किया, और ये ग्लूकोमा तो मैं पिछले 30-35 साल से ठीक कर रहा हूँ। आँखों का प्रेशर एकदम नॉर्मलाइज होता था अनुलोम विलोम से, ब्राह्मी उद्गीत से, आई ग्रिट वटी और ड्रॉप, बस सांसों पर ध्यान कर, इसको दृष्टा ध्यान भी कहते हैं, विपश्यना प्रेक्षा भी कहते हैं, इसको गुणातीत भावातीत ध्यान ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन भी कहते हैं, सांसों पर ओंकार का ध्यान, गायत्री का, महामृत्युंजय का ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, भगवान भगवती का ध्यान, ओम नमः शिवाय रामायण कृष्णाय या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण भक्ति श्रद्धा रूपेण प्रतिष्ठिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। स्वामी जी योग प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब बारी है वायरल दावे की सच्चाई की। एक दावा किया जा रहा है स्वामी जी कि कंजंक्टिवाइटिस आंखों में देखने से फैलता है, क्या ऐसा सच है? मतलब किसी की आंखें अगर लाल हो, लाल आंखों को देख लिया जाए तो आपकी भी आंखें लाल हो जाएंगी। किसी की आंखों में झांक करके देखने से ना ना, जिसके आंखें वो होता कैसे है, जैसे मान लीजिए बिटिया को कंजंक्टिवाइटिस है तो ये मेरे पास ज्यादा पास बैठी होगी तो वो जो है उसका संक्रमण हो जाएगा। मैं यदि 10 फीट दूर से देख रहा हूँ तो चाहे मैं इसकी आंखों में त्राटक कर लूँ आँखों में आँख डाल के तब भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, परिवार में ना एक दूसरे को हम किसी न किसी रूप में उनके हाथ छू लेते हैं। अब जैसे एक बाबा जी ने किसी को आशीर्वाद दिया, बड़े संत की बात बता रहा हूँ, एक बेटी आई उसको ऐसे आशीर्वाद दिया और उसको कंजंक्टिवाइटिस हो रखा था, फिर बाबा जी का हाथ लग गया अपनी आँख के ऊपर, अब उसको मिल गया पैसा, तो ऐसे हाथ रखा आशीर्वाद दिया उसने अपने आँख में हाथ लगाया उसने उस हाथ सिर पर चला ही जाता है, आँख से ऐसे ऐसे करते फिर सिर पर ऐसे कर लेते, तो आँख का वो जो संक्रमण था बालों में चला गया। अब बालों से जिसने आशीर्वाद दिया, माता पिता ने आशीर्वाद दिया, जीते रहो बेटे माँ बाप को मिल गया प्रसाद, तो ऐसे छूने से ये संक्रमण फैलता है, नज़दीक से भी संक्रमण हो जाता है, इसलिए बहुत नज़दीक नहीं बैठना चाहिए, हवा के संपर्क से फिर वो संक्रमण आ जाता है। तो दूर से देखें
चाहे खुली आंखों से देखें चाहे चश्मे से देखें, कोई फर्क नहीं। नज़दीक, बहुत नज़दीक से अथवा उसके संसर्ग में आने से, संपर्क में आने से फैलता है, बस ये सच्चाई है। ये बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। और इसलिए कहते हैं कि जो नहाने वाला तौलिया, मुंह पोंछने वाला तौलिया होता है और सोने के वक्त इस्तेमाल किया जाने वाला तकिया है, पिलो है, वो कभी शेयर नहीं करना चाहिए, वो अपना ही रखना चाहिए। स्वामी जी अब बात यौगिक चैलेंज की कर लेते हैं। आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारे वीडियोस इंडिया टीवी को भेजे हैं और जब हम इन वीडियोस को देखते हैं तो ये एहसास होता है कि पूरा देश हमारे साथ एक परिवार बन गया है, यौगिक परिवार। हरीश तोमर पुणे से, मध्य प्रदेश से, देखिए कितनी शानदार योग की ये जोड़ी, जबरदस्त किया है। माँ बेटी, बेटा बेटी, माँ के साथ बेटा बेटी, आ लगे पड़े सब, जोरदार तालियां सबके लिए। अच्छा स्वामी जी एक बात देखिए, पुणे से बहुत सारे वीडियोस आते हैं हर रोज हमारे पास, देश में तो जबरदस्त। स्वामी जी बेस्ट बेस्ट दिखा देते हैं पहले, फिर हम यौगिक चैलेंज लेंगे। ये बेस्ट वीडियो है योगिनी देशमुख और ईशान देशमुख, लीजिए ये जोड़ी भी पुणे से है। योगिनी और ईशान के लिए जोरदार भाई, हाँ ईशान और योगिनी के लिए। माँ जो है उनका नाम योगिनी है, बेटी है ईशान, ऐसे बैलेंस बनाना वाकई योगिनी, बड़े सुंदर तरीके से किया योगिनी के लिए। अब चलो कल का चैलेंज देते हैं जी। भू नमन आसन में पैर दोनों ऐसे देखो फैला देते हैं और पैर फैल गए, और पैर फैला करके अब इसके ऊपर से ये वृश्चिक आसन करना बड़ा चैलेंजिंग था, पीछे उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, थोड़ी आगे हो जाओ बुढ़िया, हाँ आगे हो जाओ, और नीचे तो ये हमारी बेटी हैं साक्षी और ऊपर जो है मधु। क्या बात है, नीचे भुवनमनासन है, उसके उधर दोनों तरफ हाथ फंसा करके हाथों के नीचे, और ऊपर से आए और ऊपर से लौट के अपने सिर पर और इसके भी सिर पर, दोनों के सिर पर ही कर दिया इसे पूरा। सिर से आशीर्वाद दे रही है मधु, चल सिर को आशीर्वाद दे रही है पैरों से। तो ऐसे भुवनमनासन के साथ पूर्ण वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, अगर ये चैलेंज आपको मंजूर है तो इंडिया टीवी पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपना जल्दी से वीडियो बनाएं और हमें भेजें, हम आपके वीडियो को जरूर शामिल करेंगे। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, इस वादे के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बोले भारत माता की जय।